अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं बड़े अरसे के बाद एवर स्टूडियो में एंट्री है मेरी, और आज मेरी शूटिंग है एक ऐसी फिल्म की जो पश्तों उर्दू वर्सन में है और उसका नाम है सिर्फ तुम मेरे हो। तो आज उसकी मैं शूटिंग कर रही थी, मेरे साथ अरबाज खान, मेरे साथ जानवीर जानी, बड़े हमारे पॉपुलर पश्तों के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं टी वी के, और उसके साथ साथ हमारे वो कुछ लड़कियाँ जो आजकल नई आर्टिस्ट हैं और वो भी थी। और माशाल्लाह आज मैं दिल चाहा कि मैं आपके लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए आज ये स्टूडियो की एंट्री दिखाऊं। और ये देखेंगे, ये एक वक्त था, ये मोहम्मद अली साहब का ऑफिस था और बहुत यहाँ पे रश होता था। आगे सरिता बेगम का ऑफिस था, उससे आगे इकबाल कश्मीरी साहब का, फिर आगे मुख्तलिफ डायरेक्टरों के और डायरेक्टर एसोसिएशन चेयरमैन का ऑफिस वो था, वहाँ पे असलम डार साहब जो डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन थे तो वो वहाँ पे बैठा करते थे, और जो भी केस होता था फिल्म इंडस्ट्री का वो उनके सामने जाता था। तो दोस्तों मैंने सोचा, चले ज़िंदगी में बाकी तो लाइफ ही हम लोग इंटरव्यू करते हैं, सबको आपसे मिलवाती हूँ, लेकिन कभी अपनी लाइफ के बारे में भी बताना चाहिए। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे गाने भी होते थे और बड़ी खूबसूरतियाँ होती थी। और ये हम लोग इधर आते हैं, ये हमारा फुआरा एक एवेन्यू का बड़ा मशहूर है, जिसमें बहुत स्टार रात को यहाँ पे इंजॉय करते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, ये समझे मीटिंग रूम था कि यहाँ पे सब एक्टर इकट्ठे होते थे रात को, ऐसी यहाँ पे रौनकें होती थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ये स्टूडियो ऑनर शहजाद गुल, सजाद गुल आगा जी गुल का ये ऑफिस था, यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। ये यहाँ पे एंट्री इनकी दो जगह से थी, और ये ख़ास रूम आगा गुल जी का था क्योंकि ऑनर थे। उसके अलावा जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो यहाँ पे आके आगा जी गुल के ऑफिस में बैठते थे और फ़ख्र महसूस करते थे। और ज़ाहिर है जब नया कोई आर्टिस्ट आता है, इस्टेब्लिश होता है, तो फिर स्टूडियो ऑनर भी उसकी ऑनर करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं और मोहब्बत से नवाजते हैं। फिर आर्टिस्टों भी की कोशिश होती है कि हम इसी स्टूडियो पे काम करें। और ये आप देख रहे हैं कि एक ये खूबसूरत बगीचा, यहाँ पे ये पानी के फुहारे चलते थे रात को, और ये फूल सारे खिले हुए, और सब फनकार यहाँ पे रात को वॉक करते थे, हंसते थे, बोलते थे, गपशप लगाते थे। और ये एवेन्यू स्टूडियो की एक बहुत खूबसूरत जगह कहलवाती थी, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे आके बड़ा अच्छा महसूस करते थे, बड़ी खूबसूरती लगती थी। और इतनी रौनकें थी यहाँ पे कि आज मैं शूटिंग के लिए आई हूँ तो सिर्फ शूटिंग के लोग मुझे उतने ही लोग नज़र आए जो हमारे साथ काम कर रहे थे या जो हम लोग जिनके साथ मैं काम कर रही थी। तो लेकिन आज वो उदासियाँ, कोई कलर करता है, कोई रंग करता है, कोई मेकअप करता है, ये सब लोग इसी तरह ना सारे काम करते हैं। तो इनको 40 साल हो गए हैं। आपका नाम क्या है? महमूद खान जी। आप क्या करते हैं? हम पेंट का काम करते हैं, जो स्टूडियो में सेट लगते हैं जी। आप क्या करते हैं? ये भी पेंटर हैं। आप क्या करते हैं? वो तो आपके रंग से पता चल रहा है आप पेंटर हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये अच्छी सामने कौन जी। आप क्या करते हैं जी? ये सेट वगैरह का काम करते हैं, सेट लगाते हैं जी। आप क्या करते हैं? अच्छा जी, ये जनरेटर को ऑपरेट करते हैं जो इसकी वजह से लाइट आए और शूटिंग्स हो। अब आप देख रहे हैं कि ये सब लोग, आप देख रहे हैं, इनके लिए इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है कि काम अगर कम है तो फिर आपको पता है टेक्नीशियनों का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है। हम जैसे लोग तो इधर से भी कमा लिया, टीवी से भी कमा लिया, इधर से भी कमा लिया, शो भी कर लिया, लेकिन टेक्नीशियनों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी। मैं ये कहूँगी कि इन लोगों के लिए जितनी भी हेल्प की जाए, गवर्नमेंट करे या कोई सहब हैसियत जो जिनके पास इतना है, ये मजबूर लोग हैं या इन पर बैठे रहते हैं इसी आस पे कि काम आए, पैसे आए, तो मेरा ये है कि स्पेशल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को भी, और आम जो बड़े एक्टर हैं, जो लोग हैं, वो स्टूडियो को एक चक्कर ज़रूर लगाया जाए
ताकि ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो करें। तो अब हम चलते हैं जी आगे। तो ये कभी ये मेकअप रूम होते थे, ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जब आई तो मैंने यहाँ पे मेकअप करवाया, यहाँ पे ये भी मेकअप रूम था। तो ये बड़े अच्छे हम लोगों ने यहाँ पे टाइम देखा, वक्त देखा, खूबसूरतियाँ देखी कि ना भूलने वाली बातें। आज भी मुझे याद है वो वक्त जब मैं अपने स्टूडियो में आती थी तो रात को ऐसे यहाँ गहमा गहमी और इतने एक्टर और इतने डायरेक्टर, इतने प्रोड्यूसर कि दिल खुश हो जाता था कि हम लोग इतनी रौनक में रहते थे। तो आज कभी कभी का है कि जैसे आज मैंने एक पश्तो फिल्म की शूटिंग की जिसका नाम था सिर्फ मेरे तुम ही सिर्फ मेरे हो। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे साथ अरबाज़ खान साहब थे, जंगीर जानी थे, इसमें और लड़कियां हैं, और ये था हमारा स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट हॉल जिसमें मैडम नूर जहाँ के बड़े अलग अलग गाने ओपनिंग होनी, अंदर रिकॉर्डिंग होनी, और हर बंदे को परमिशन नहीं थी अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ओपनिंग पे आते थे। जब ओपनिंग होती थी बड़े फनकार आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो दोस्तों यादें हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज स्टूडियो आके। तो अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कोई ना कोई फिल्म ज़रूर बनाऊँगी, और मैंने पहले भी बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह गाहे बगाहे मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ स्टूडियो के राउंड लगा के आपको दिखाया करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी, दुर्दाना रहमान, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।